आखिरी बॉल 4-2 और आप अपनी टीम को बाउंड्री मारकर मैच जिता देते हैं। अगर आप एक क्रिकेट फैन हैं तो ये सपना शत प्रतिशत आपने अपने बचपन में देखा ही होगा। क्रिकेट इतिहास के सबसे बड़े फिनिशर MS धोनी ने कितनी बार हमें मेमोरेबल फिनिशेस दिए हैं। हर बार प्रेशर सिचुएशंस में वो निखर कर बाहर आए हैं और इंडिया ही नहीं CSK को भी कितनी बार जिताया है। दिनेश कार्तिक का निदाहास ट्रॉफी वाला लास्ट बॉल सिक्स तो आपको याद ही होगा। आफ्टर ऑल इट्स स्टिल द मोस्ट वॉच्ड यूट्यूब वीडियो अक्रॉस एनी स्पोर्ट। कौन भूल सकता है मिस्टर क्रिकेट माइक हसी को, जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया को बद से बदतर सिचुएशंस में से निकाल कर मैच जिताए हैं। विराट कोहली के लेजेंडरी 82 नॉट आउट 2016 और 2022, बेन स्टोक्स का वो हैरान कर देने वाला एशेज फिनिश और वो वर्ल्ड कप फाइनल इनिंग्स। हर क्रिकेट फैन के लिए ये कुछ खास ऐसे मौके हैं जिन्हें सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। लेकिन आखिर कैसे बनता है एक परफेक्ट फिनिशर? चलिए इन सभी दिग्गजों के एग्जाम्पल से एक रेसिपी बनाते हैं। ऐसा खिलाड़ी जिसके पास एक कूल और काम हेड हो, जो रनिंग बिटवीन द विकेट्स चीते की तरह करता हो, जिसे फील्ड से खेलना अच्छे से आता हो, जिसका दिमाग कैलकुलेटर की तरह चलता हो और जो बड़े से बड़े मैचेस में अपने विकेट की वैल्यू जानता हो। अगर मैं आपसे कहूँ कि बहुत साल पहले एक ऐसा खिलाड़ी था जिसमें ये सारे गुण थे, जो कि लगभग 1249 दिन तक वन डेज में नंबर एक बैटर था, जिसने अपनी टीम को 45 बार सक्सेसफुल रन चेजेस में जिताया है और जिसने फिनिशर नाम के टैग का इजाद किया। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ माइकल बेवन की। कैनबरा से बिलोंग करने वाले पहले ऑस्ट्रेलियन इंटरनेशनल क्रिकेटर माइकल गुएल बेवन का जन्म 8 मई 1970 में हुआ था। बेवन यानी बेवो ने ऑस्ट्रेलिया के लिए खेलने से पहले डोमेस्टिक सर्किट में बहुत साल पापड़ बेले थे। उनके करियर की शुरुआत में अच्छी इनिंग्स खेलने के बावजूद उन्हें कई बार बाहर बैठना पड़ता। क्यों? क्योंकि टीम में ऑलरेडी एलन बॉर्डर, डीन जोन्स, डेविड बून जैसे दिग्गज थे जिन्हें रिप्लेस करना नामुमकिन था। लेकिन 1994 में सर एलन बॉर्डर के रिटायर होने के बाद ऑस्ट्रेलिया को जरूरत थी एक यंग और फुर्तीले नौजवान की, जिसकी बैटिंग पर टीम निर्भर कर सके। एंटर माइकल बेवन। ये ऑस्ट्रेलिया की जबरदस्त किस्मत ही है कि उसकी धरती पर ग्रेट क्रिकेटर्स की कमी नहीं, और बेवन बेशक उनमें से एक थे। टेस्ट क्रिकेट डेब्यू में 82 और पहली ODI इनिंग्स में 39 नॉट आउट पर मैच फिनिश करके बेवन लोगों की नजरों में आ गए थे। लेकिन वो मैच जिसने उन्हें रातों रात सुपरस्टार बना दिया, वो था 1 जनवरी 1996 को। वो कहते हैं ना, नए साल का पहला दिन आप जिस तरह व्यतीत करते हैं वो आपके पूरे साल की टोन सेट कर देता है। उसी तरह इस दिन ने माइकल बेवन के आने वाली लेगेसी को समराइज कर दिया। SCG में बेंसन एंड हेजेस सीरीज का ये 5वां मैच था। रेन अफेक्टेड ये गेम रिड्यूस हो गया 43 ओवर्स पर साइड में। पहले बैटिंग करके वेस्टइंडीज ने ऑस्ट्रेलियन पेसर पॉल राइफल और लेजेंड शेन वॉर्न के आगे मानो घुटने टेक दिए। लेकिन कार्ल हूपर की आतिशी 93 रन की पारी ने उन्हें 172 का सम्मानजनक स्कोर दे दिया। ध्यान रहे, ये वेस्टइंडीज की वो टीम थी जिसमें कर्टनी वॉल्श और कर्टली एम्ब्रोस जैसे खूंखार गेंदबाज थे। जाहिर सी बात है, ये चीज ऑस्ट्रेलिया के लिए आसान नहीं होने वाली थी। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। 4 for 1, 15 for 2, 15 for 3, 32 for 4, 38 for 5 और 38 for 6। कर्टली एम्ब्रोस और ओटिस गिब्सन ने तो ठान लिया था कि ऑस्ट्रेलिया को 100 से अंदर ही अंदर निपटा देंगे। उस वक्त नंबर 6 पे बैटिंग करने आए माइकल बेवन ने सिर्फ खाता ही खुला था। रॉजर हार्पर की गेंद और बेवन ने इस बॉल को थोड़ा अर्ली लॉफ्ट कर दिया गेंद हार्पर के हाथों में और वो एक और विकेट सेलिब्रेट कर रहे थे। लेकिन ये क्या, बेवन इस कैच का पूरी तरह से विरोध कर रहे हैं। अंपायर्स ने रिप्ले देखा और रॉजर हार्पर ने ये कैच गलत तरीके से क्लेम किया था। माइकल बेवन नॉट आउट। इस किस्मत के साथ ने शायद बेवन को बता दिया कि मे बी आज उनका दिन है। इनिंग्स जैसे बढ़ती गई, बेवन की अप्रोच में एक खास बात दिखी। वो दोनों पेसर्स और स्पिनर्स के सामने काफी कंफर्टेबल थे। ना कोई जोखिम, ना कोई स्ट्रगल, ऐसा लग रहा था वो एक डिफरेंट पिच पर बैटिंग कर रहे हैं। लेकिन दूसरे छोर से एक और विकेट गिरा, ऑस्ट्रेलिया 74 for 7। अब बेवन को साथ मिला पॉल राइफल का, जो ऑलरेडी इस मैच में 4 विकेट ले चुके थे। राइफल को कॉन्फिडेंट देख माइकल बेवन ने अब गेम को कंट्रोल करना शुरू किया। सामने किस बॉलर के कितने ओवर्स बचे हैं, किस बॉलर पर चांस लिया जा सकता है और हर ओवर में मिनिमम कितने रन चाहिए। बिना किसी जोखिम के बेवन सिंगल्स को डबल्स में कन्वर्ट करते गए, बॉल को गैप्स में निकालते गए। जहां आप मॉडर्न प्लेयर्स को टाइम टू टाइम बड़े शॉट खेलते हुए देखते हो, बेवन यहां सिर्फ और सिर्फ ग्राउंडेड शॉट्स मार रहे थे और गैप्स तो मानो सिर्फ उनके लिए ही बने थे। हर ओवर में अपने साथी के साथ कम्युनिकेट करना, स्कोरबोर्ड पर नजर रखना और हर रन तेजी से दौड़ना, ये क्रिकेट खेलने का एक मॉडर्न तरीका था। ये खेल को डीप ले जाने का एक नया तरीका था। आज शायद कुछ ऐसा होने वाला था जो पहले कभी नहीं हुआ। क्या एक बल्लेबाज गेंदबाजों के साथ बैटिंग करके एक हारे हुए मैच को जीत में कन्वर्ट कर देगा? बेवन ने अपने 50 रन पूरे किए और राइफल के साथ उनकी 83 रन की महत्वपूर्ण पार्टनरशिप हो गई। लेकिन कहानी में आया एंटी क्लाइमेक्स और राइफल सिमंस की गेंद पर हूपर को कैच थमा बैठे।
अच्छा खासा मैच, इतनी सारी मेहनत, क्या ये सब पानी में जाने वाला था? वेस्ट इंडीज को जीत के लिए 2 विकेट और ऑस्ट्रेलिया को 16 रन, बॉल्स लेफ्ट सिर्फ 10। खैर बेवन है तो उम्मीद है। सेकेंड लास्ट ओवर की आखिरी बॉल पर चौका मार के बेवन ने इक्वेशन कर दी 7 required of 6 balls, यानी लास्ट ओवर जीतने के लिए 7 रन और ड्रामा बढ़ाने के लिए बॉलर रॉजर हार्पर, जी हाँ, जो इस मैच में ऑलरेडी माइकल बेवन को ऑलमोस्ट आउट कर चुके थे। लास्ट ओवर की पहली बॉल और शेन वॉन स्ट्राइक पे, ज्यादा दूर नहीं मार पाए गेंद को और बेवन को स्ट्राइक देने के चक्कर में खुद हो गए रन आउट। 5 ball 7 run और अब माइकल बेवन के पास सिर्फ एक बैटिंग पार्टनर, ग्लेन मैकग्रा, जिनके ओडीआई बैटिंग करियर की हम ना ही बात करें तो बेहतर है। लेकिन इस लास्ट ओवर में उनके सामने एक बॉल आ ही गई जिसे थैंकफुली उन्होंने सिंगल में कन्वर्ट कर दिया। 2 balls left 4 to win, क्राउड हैरान परेशान लेकिन बेवन एज कूल एज आइस। रॉजर हार्पर की यॉर्कर गेंद लेग स्टंप पर जिसे बेवन कुछ नहीं कर पाए और वापस बॉलर को ही थमा दी। अब आखिरी गेंद 4 to win, याद है ना वो हर बच्चे का सपना, लास्ट बॉल बाउंड्री, उस सपने को जीने का टाइम बेवन के लिए आ चुका था। उनकी आंखें एक 360 डिग्री पैनोरामिक व्यू की तरह काम कर रही थी जिसे एग्जैक्ट फील्ड मालूम थी। उन्हें पता था ये बॉलर उन्हें फिर से लेग स्टंप पर यॉर्क कर सकता है। क्या उन्हें मिड ऑन के ऊपर से जाना चाहिए? नहीं, रिस्क है। क्या कवर्स के ऊपर? नहीं, वहां भी रिस्क है। क्रिकेट का सबसे बेसिक रूल, द सेफेस्ट स्पेस इज टू हिट स्ट्रेट, एंड दैट्स व्हाट द कंप्लीट फिनिशर माइकल बेवन डेड, सीधा बॉलर के सर के ऊपर से और रच गया इतिहास। ऑस्ट्रेलिया को मिल गया एक मिडल ऑर्डर लेजेंड, वर्ल्ड क्रिकेट को मिल गया अपना पहला फिनिशर और बिल लॉरी की कमेंट्री में कहें तो 12, मैच खत्म और अपने ओपोनेंट और कंट्रोवर्सी पार्टनर रॉजर हार्पर को हाई फाइव करते हुए, खेल भावना का एक एग्जाम्पल सेट करते हुए बेवन चल दिए ड्रेसिंग रूम की तरफ। पता है आपको हैरान करने वाली बात क्या है? ये पारी सिर्फ एक बार नहीं, बेवन ने इस पारी को अपने पूरे करियर में अपना टेम्पलेट बना लिया एंड ही एंडेड हिज करियर विद एन एवरेज ऑफ 53.67 इन 232 ओडीआईज, व्हिच इज माइंड बॉगलिंग। यही नहीं, एक एशिया 11 वर्सेस रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड 11 के मैच में बेवन ने 185 नॉट आउट बनाकर सिंगल हैंडेडली 321 का स्कोर ऑलमोस्ट चेस कर ही लिया था। 1999 और 2003 वर्ल्ड कप में भी बेवन का योगदान कुछ ऐसा ही था, संकट मोचन का, फिनिशर का। रिटायरमेंट के बाद अगर आप बेवन से उनका फेवरेट फिनिशर पूछें तो वो धोनी का नाम लेते हैं, पर ये बात धोनी भी जानते हैं कि फिनिशर की कला तो उन्होंने बेवो से ही सीखी थी। माइकल बेवन जैसे खिलाड़ी आपको आजकल ज्यादा न्यूज या चर्चा में नहीं दिखेंगे, वो एक लो प्रोफाइल रखना पसंद करते हैं, इसीलिए आजकल की जनरेशन जिसने 10-15 साल से क्रिकेट देखना शुरू किया हो वो शायद उन्हें ना पहचाने, पर एक 90s किड को ही पता था, जब तक बेवन क्रीज पर है ऑस्ट्रेलिया ये मैच नहीं हार सकता। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब तो बिल्कुल करें। जी हाँ, आप लोग ये 3 काम करना जरा भूल जाते हैं। बेल आइकन दबाएं और मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में। एस्पायर करते रहें, इंस्पायर करते रहें। दिस इज शिव इंस्पायर्स साइनिंग ऑफ।